तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत करते हैं आपका गुजरात के सूरत जिले के सूरत रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों, आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो एक नई नवेली टाउन, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, चलती है वलसाड़ से वडनगर के बीच हफ्ते के सातों दिन, जिसका ट्रेन नंबर है 19009। इसी ट्रेन की आज की जर्नी होने वाली है। तो चलिए, सुबह के 6 बज चुके हैं और चलते हैं फटाफट अंदर, टिकट लेते हैं और फिर इसकी जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो रे आ गई दोस्तों अपने वेब इंजन के साथ वलसाड़ वडनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और इधर चढ़ने वालों की भीड़ देख लीजिए, गजब की भीड़ होने वाली है भाई, भीड़ बहुत ज्यादा है भाई, गजब भीड़ देख रहे हो। ऐसी चेयर कार, ये आ गया अपना जनरल कोच। भाई आगे देख लो, अरे भाई गजब की भीड़ होने वाली है यार। देखो भाई सीट मिल जाएगा कि नहीं, इसमें आ जाओ। डिपार्चर हो चुका है सूरत रेलवे स्टेशन से। गजब की रफ्तार है भाई, निकलते एकदम रफ्तार पकड़ ली। भरूच जंक्शन, तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन आ गई भरूच जंक्शन पे। और ये सूरत से चलने के बाद है, इसका पहला स्टॉपेज है, आप लोग देख सकते हैं पीछे भरूच जंक्शन। और 3 प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है, और ये अपना पड़ता है अपना नर्मदा नदी के किनारे, देख सकते हैं इसका नज़ारा। और सुबह के 7:25 हो रहे हैं। और दोस्तों भरूच जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्च हो चुका है 2 रुकने के बाद, और इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है वडोदरा। मिलते हैं आपसे वडोदरा में। देखिए ट्रेन की बात करें तो ट्रेन काफी एकदम मस्त ट्रेन है, निकलते एकदम रफ्तार पकड़ ले रही है।
वडोदरा जंक्शन तो दोस्तों समय हो रहा है 8:20 और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने सेकंड स्टॉपेज वडोदरा जंक्शन पे। और बात करें वडोदरा जंक्शन की तो BRCS का स्टेशन कोड हुआ और 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 348 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्टिंग करती हैं। 23 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 22 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। तो वडोदरा पड़ता अपना वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन में। तो चलिए दोस्तों अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद दिखा देते हैं इसका डिपार्चर और 2 स्टेशन स्किप करते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा अहमदाबाद में। आनंद और नड़ियाद को स्किप करेंगे और मिलेंगे आपसे सीधा अहमदाबाद में, ठीक है। तो चलिए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। तो फाइनली दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है वडोदरा जंक्शन से और अगला 2 स्टॉपेज हम लोग स्किप करेंगे और मिलेंगे आपसे सीधे अहमदाबाद में। तो देख लीजिए आप लोग वडोदरा जंक्शन से डिपार्चर। बाय बाय वडोदरा, मिलेंगे फिर कभी ब्रेक के बाद। यस वडोदरा जंक्शन। अहमदाबाद जंक्शन आ गए भाई। तो दोस्तों समय हो रहा है 10:10 और अपनी ट्रेन आ चुकी है फाइनली अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे। और बात करें अहमदाबाद की तो टोटल 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। ADI इसका स्टेशन कोड हुआ और ये अपना पड़ता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में। और बात करें अहमदाबाद में ट्रेनों का हॉल्टिंग की, अहमदाबाद में टोटल 200 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है। 59 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 60 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। बाकी अहमदाबाद जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि क्लाइंट जिधर से हम लोग आ रहे हैं मुंबई से सूरत होके और जाएंगे गांधीनगर कैपिटल या महसाणा,
और दूसरी लाइन इधर से साबरमती होके चली जाती है अपने जयपुर को, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी है। तो चलिए यहाँ पे अपने ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्टिंग है, इसके बाद दिखा देते हैं डिपार्चर इसका और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। चलिए दोस्तों, तो 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है अहमदाबाद जंक्शन से। अहमदाबाद जंक्शन, बाय बाय हो अहमदाबाद जंक्शन। चलिए दोस्तों, तो फटाफट दिखा देते हैं इसका इंटीरियर। और देख सकते हैं इधर आपको दो दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, 3 चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। और सीटें देख लीजिए, आरामदायक कंफर्टेबल सीटें हैं एकदम। सामने भी चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और सामान रखने के लिए। तो यही है इसका इंटीरियर। और आइए चलिए दिखा देते हैं आपको वॉशरूम का नज़ारा। और ये देख लीजिए मिरर, थोड़ा बहुत पूरा क्लीन नहीं है, थोड़ा बहुत दाग धब्बा है। और नल में पानी आ रहा है, वॉश बेसिन लोगों ने थोड़ा बहुत धूप धाक के गंदा कर दिया है। बाकी यहाँ पे आपको पानी वाटर टैप मिल जाएगा यहाँ से पीने के, और नीचे फायर एग्जीबिशन, बाकी डस्टबिन। और अंदर अंदर आएंगे तो यहाँ से हैंगर गायब कर दिया गया है। बाकी यहाँ का मिरर क्लीन है, वाटर टैप में पानी आ रहा है, इसको भी टेढ़ा कर दिया गया है, बेसिन साफ है। बाकी लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे फ्लश मिल जाएगा आपको, और लैट्रिन बाथरूम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप लोग देख सकते हैं शानदार कर्व लेते हुए अपने ट्रेन को, क्या गजब कर्व है, अद्भुत। दोस्तों अभी हमने आपको जनरल कोच का इंटीरियर दिखाया, आइए बता देते हैं इसका किराया क्या होने वाला है। तो आपको अगर वलसाड से वडनगर जाते हैं तो इसका किराया होने वाला है 145 रुपये मात्र। 145 रुपये में आप वलसाड से वडनगर तक जा सकते हैं और मोदी जी के चाय वाला स्टेशन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए दिखा देते हैं आपको एसी चेयर कार का कोच और उसका भी इंटीरियर और किराया भी बता देते हैं, तब तक आप जर्नी एंजॉय करते रहिए। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं एसी चेयर कार के अंदर, और ये देख लीजिए इसका इंटीरियर सामने, काफ़ी शानदार और आकर्षक आपको इंटीरियर दिख रहा होगा। 3x2 का कोच अरेंजमेंट है, और यहाँ पे आपको बीच में खाने के टेबल मिल जाएगी और सामान रखने के लिए देख लीजिए। और यहाँ पे रीडिंग लाइट है देख लीजिए, बाकी देख लीजिए दोस्तों काफ़ी शानदार इंटीरियर है एसी चेयर कार का। और इसी का किराया होने वाला है 570 रुपये, तो आपको इसका किराया देना होगा वलसाड से वडनगर तक 570 रुपये।
गांधीनगर कैपिटल। वाह भाई क्या स्टेशन बनाया है। तो दोस्तों सूरत से 250 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर कैपिटल में। और आप लोग देख सकते हैं पीछे का शानदार नज़ारा, काफ़ी शानदार है। और स्टेशन का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बनाया गया है, ये देख लीजिए। और बात करें गांधीनगर कैपिटल की तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 8 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्टिंग करती हैं, 5 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 5 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। तो ये अपना पड़ता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीज़न में। बाकी यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्टिंग है। तो चलिए आइए दिखा देते हैं इसका डिपार्चर, बाकी देख लीजिए आप। बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं गांधीनगर कैपिटल का शानदार नज़ारा। हाय बाबू, जय जय, एकदम एकदम। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई अपनी ट्रेन गांधीनगर कैपिटल। भाई स्टेशन एयरपोर्ट बनाया गया है गांधीनगर कैपिटल, जबरदस्त स्टेशन। कमाल का स्टेशन है, कमाल का, वाकई दिल खुश हो गया इस स्टेशन को देख के। गांधीनगर कैपिटल, बाय बाय गांधीनगर कैपिटल।
तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग सूरत से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं मोदी जी के चाय वाले स्टेशन वडनगर पे। आप लोग देख सकते हैं वडनगर का नज़ारा, और वडनगर पे हम लोग आ चुके हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाती है अपनी भी और इस ट्रेन की भी जर्नी। तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।